ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णो, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलायस्तनोहरि, सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। इयं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं दैत्पायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबिम्बने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणपति भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बोले शंकर भगवान की जय। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आइए आज हम भगवान गणपति का यजन पूजन करने जा रहे हैं। देखिए गणपति सभी देवगण मानवगण सर्वगणों के ईश हैं, तो भगवान गणपति के पूजन से मनुष्य के जीवन के संपूर्ण समस्याएं जो अड़चने हैं दूर होकर के जीवन सुखमय खुशियों से भरा रहता है, मंगलमय रहता है। आज भगवान आज अनंत चतुर्दशी है, चतुर्थी को भगवान गणपति की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी को जो है भगवान गणपति का विसर्जन किया जाता है। और ये जो उत्सव है भगवान गणपति के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो भगवान गणपति की जो आराधना है मनुष्य को रिद्धि बुद्धि शुभ लाभ प्रदान करने वाला, जीवन की जो समस्याएं हैं जो अड़चने हैं भगवान गणपति के यजन से सभी प्रकार की अड़चने दूर होती और मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती। धर्म पुत्रार्थी लभते पुत्रम, धनार्थी लभते धनम, यानी कि जो जिस कामना को लेकर के जिस भावना को लेकर के भगवान का यजन करता है गणपति का, तो उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती, संतान की इच्छा वाले को संतान की प्राप्ति होती, जो धन की इच्छा रखते हैं उनको धन की प्राप्ति होती है, जो जीवन साथी की इच्छा से भगवान का यजन करते हैं उनको अच्छा जीवन साथी मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जिस कामना को लेकर के भगवान गणपति का आयोजन करता है तो भगवान गणपति उसकी वो मनोकामना पूर्ण करते हैं। संपूर्ण समस्याएं समाप्त तो होती हैं, जैसे समस्याएं जीवन में अनेक प्रकार की होती हैं, कोई भी समस्याएं पारिवारिक सांसारिक जीवन में आर्थिक मानसिक, तो सभी अड़चने दूर होकर के आपका आपके और आपके परिवार का जो जीवन है खुशियों से भरा होता है। नौकरी पेशा में जो अड़चने आती हैं
विवाह में, नौकरी पेशा में जो अड़चने आती हैं वो दूर होकर के नौकरी पेशा, नौकरी की प्राप्ति होती है, बिजनेस व्यापार में धन का लाभ होता है। जिनका विवाह में बार बार अड़चने आती हैं, नौकरी में अड़चने आती हैं, तो भगवान गणपति के यजन से उनकी सभी प्रकार की अड़चने दूर होती है। और विवाह की अड़चन दूर होकर के शीघ्र विवाह का योग बनता है, शीघ्र विवाह की प्राप्ति होती है। और जैसे भगवान सिद्धि और बुद्धि के प्रदाता हैं, यदि कोई डिसीजन नहीं ले पाता है जीवन का, तो भगवान गणपति के यजन से उसको डिसीजन लेने की शक्ति प्राप्त होती है। और जैसे आप कोई विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनसे रक्षा होती है गणपति के यजन से, उनके ऊपर में विजय की प्राप्ति होती है। और आपके जीवन के जो अड़चने हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होकर के जीवन जो है खुशहाली से भरा होता है, सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। और बुध ग्रह संबंधी जो अरिष्ट दोष है, बुध ग्रह का जो दुष्प्रभाव है उसकी निवृत्ति होती है। दुष्प्रभाव जो है बुध ग्रह का जो है शांत होता है, समाप्त होता है। और नौकरी बिजनेस संबंधी संपूर्ण जो समस्याएं, जो अड़चने हैं, वो दूर होकर के जो जीवन है खुशियों से भरा होता है भगवान गणपति के यजन से। तो आइए अब हम लोग जो है भगवान गणपति का आवाहन पूजन करेंगे। देखिए ऐसा है, पूजन बड़े श्रद्धा और भाव से करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही विद्यते देवो, देवतागण श्रद्धा में ही निवास करते हैं। इसलिए हम लोग बड़े श्रद्धा और भाव से भगवान गणपति का पूजन करेंगे और भगवान गणपति जी से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे गणपति भगवान, आप हमारे जीवन की जो संपूर्ण समस्याएं हैं, हमारे जो अड़चन है जीवन में, हमारे जीवन के अड़चन को दूर करें और अड़चने दूर होकर के हमारे को अड़चने दूर करके हमारी जो मनवांछित इच्छा है उनके अनुसार हमें वरदान प्रदान करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो, जीवन से जीवन की जो अड़चने हों वो दूर हों। ऐसी भावना रखते हुए आज हम लोग भगवान महागणपति का यजन करेंगे। तो आइए अब हम लोग पूजन प्रारंभ करते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। ओम गंगे चयमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी पात्रेस्मिन् सन्निधिं कुरु करं पात्रं सुसंपन्नं सुसंपन्नम्। ओम केशवाय नमः। माधवाय नमः। नारायणाय नमः। अस्तो प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यांतरा शुचिः सर्वं शुचिः आत्मानं प्रोक्ष्य पूजा सामग्रीं च संप्रोक्ष्य। अथ पृथ्वी पूजनम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलं छन्दः कुर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः पृथिव्यै नमः पाद्यमर्घ्यमात्मनिं जलं समर्पयामि श्रीभूम्यै नमः वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि गंधान धारयामि अक्षतान पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्रीभूम्यै नमः। ओं पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुधृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरुचासनं मां पृथिव्यै नमः। आधारशक्त्यै नमः। कुरुमासनाय नमः। कमलासनाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्रीभूम्यै नमः। अथ भूतोत्सादनमपसर्पन् त्वयि भूतायि भूता भूमि संस्थितायि भूता विघ्नकर्तार स्तेन स्यन्तु शिवाज्ञापाक्रमन्त भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारवितोम् प्राच्यै नमः।
ओम वाच्यै नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम कर्म भूम्यै नमः, एवं दश दिशोरक्षित वासुदेवो जनार्दनः। आज जोड़ करके अपने गुरु महाराज का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु तरणकमलेभ्यो नमो। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो वरतु मे पाप बोधिप सुस्थिरो भव कर्म साक्षिणी दीप नारायणाय नमः। तिष्ण दोष्ट महाकाय कल्पान्ते दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञां दातुम रसय कर्म साक्षिणी दीप नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अथ शंख पूजन ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानादि तन्नो शंख प्रचोदयात् शंखस्थ पांचजन्याय नमः। ओम घंटस्थ गरुडाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आइए अब हम लोग गणेश जी इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता सभी देव देवताओं का आवाहन पूजन करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्र वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष अरिष्टानि मिहि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातो ओम बृहदस्वामरुतः। पृष्णिमातरः शुभम यावान विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः। सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः। शृणुयाम देवा भद्रं पशेमाक्षव्रजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितञ्जदायुः। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नः सक्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासु। यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरेखतायुर्गन्तोः। अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः। विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानितो अम्मा द्यौः। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः। कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहि। प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहि। निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहि। वसो मम अहमजानि गर्भधाम त्वमजासि गर्भधाम। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्तशोकः। सुभदिकां काम्पिलवासिनीं सुशान्तिर्भवतु। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ सची पुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अभिघ्नमस्तु सुमुखस्थैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननन्द्वासहितान्नामानि। यपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। सर्वविघ्नोपशान्त सिद्धार्थ सिद्धार्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति ते साम्यमङ्गलं येषां हृदयस्थ भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रबलं तदेव विद्यावलं दैववलं तदेव लक्ष्मीपतेत्यङ्गद्रुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां
कुतस्तेषां पराजया येषां इन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूतिर्दुर्वाणीतिर्मतिर्ममानन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यविभुक्तानां योगच्छेहं वहभ्यं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयश्रीभुवनेश्वरा देवादिसन्तुना सिद्धिं ब्रह्मेशाम जनार्दन विश्वेशं माधवं धुन्यं धन्नपाणिं च वैरवं वन्दे काशिगुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सा अक्षत जलहरिण्यम गृहत्वा संकल्पः। आइए आप लोगों के मन में जो जो मनोकामना है अपनी मनोकामना को मनी मन में स्मरण करेंगे और भगवान गणपति जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति भगवान आप हमारी मनोकामना को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करना। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने अद्य श्री ब्राह्मणंदिहि द्वितीये परार्घे श्री श्वेतवाराहकल्पे जम्बुद्वीपे भूर्लोके वैवस्वतवन्मन्तरे भारतखण्डे भरतवर्षे आर्यावर्ते कदेशान्तर्गत इन्द्रप्रस्थे भगवती यमुना दिव्याः पूर्वविभागे गीताकालोनी क्षेत्रे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये विरोधकृतनाम्नि संवत्सरे दक्षिणायने श्रीसूर्ये दक्षिणगोले महामङ्गलप्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रे मासे भाद्रपदमासे शुभे शुक्लपक्षद्य महापर्वणि चतुर्दश्यायां शुभपुण्यतिथौ वासराः वासरस्तु आदित्यवासरान्वितायां यथा यथा राशिस्थानसु एवं ग्रह गण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्राहं नामाहं अमुक गोत्रोत्पन्नोहं अमुक नाम्नोहं वाकीति हरिशकुमार रेड्डी नाम्नः वाकीति अखिलेश कुमार रेड्डी प्रज्ञान साहू पितुनाम प्रताप चंद्र साहू गोत्र नागस्य प्रतीक सिंह पितुनाम श्री जयप्रकाश सिंह गोत्र भारद्वाज वीरेश्वर दीक्षित पिता श्री नंदकिशोर दीक्षित गोत्र भारद्वाज अभिषेक जैना पितो श्री दिलीप कुमार जैना गोत्र मुद्गल नाना गोत्रोत्पन्नः नाना नाम्नः मम यजमानस्य सकलकामना सिद्ध्यर्थं विपुलधनधान्यादि प्राप्त्यर्थं अरिष्टकरदोष निवारणार्थं विघ्न बाधा निवारणार्थं सर्वत्रेषु विजयलाभादि प्राप्त्यर्थं यस्य विदा विवाह विलम्बे तस्य शीघ्रादि शीघ्र विवाहयोग प्राप्त्यर्थं धनधान्यादि विपण आदि प्राप्त्यर्थं शत्रुपरि विजय प्राप्त्यर्थं उदग्रहस्य अरिष्टदोष निवारणार्थं सुखशान्ति प्राप्त्यर्थं समस्त रोगबाधा पीड़ा निवारणार्थं गणपति वरुणकलश सूर्याग्नौ देवतानां समस्तदा पूजन संकल्पमहं करिष्ये ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सशस्त्र स्वगः सुवधिकां काम्पिलवासिनीं श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि अथ स्नानम् ओम पादर्पाद्यं हस्त्योरर्घ्यं
मुखे आत्मनियम सर्वांगेशो स्नानियम जलम गंगे चयमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम स्नानम समर्पयामि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतये सहजं प्रथा समुग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि अथ वस्त्रं जुवपवस्त्रं जुवाश्वासा प्रवितागा सोस्यान् भवज्जायमाना तं धीरासा कर्मसाध्यो मनसाध्योपस्मैकाय तानरापमानायन्दवे हविदेवान् यक्षति उपवस्त्रान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि अथ गन्धं गन्धद्वारा दुरादर्शानिति पुष्टां करिष्यन् ईश्वरं सर्वभूतानां तां यो पावक्षतान् सतासुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदितावत्या गृहाणा गणनायका माल्यादीनि सुगन्धिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्थानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगतां ॐ काण्डात् 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 परोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानु दुर्वे प्रतनुसहस्रेण सतेन च दुर्वाङ्कुरान् श्रुतामृतामिलाप्रदाम् आनीतां तव पूजार्था गृहाणा गणनायका दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि गणपतये नमः धूपं दीपम् ॐ मा वनस्पतिरसो धूपो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तम आग्रह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिहर्तम् प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यम् ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेषाद्भ्यो समवर्तत पदभ्याम् ॐ दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाभ्यानाय स्वसमानसोदनं दीपानि उत्तरापोषणं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलम् इदं फलं मया देव स्थापितं कृतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुकालोद्भवफलं समर्पयामि श्रीगणेशामि काभ्यां मुक्षुभ्यार्थ्यै लालङ्गात् ताम्रपत्रं यत्पुरुषेण विका देवा जगवतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यां ग्रह्मात्मा शरद्धवीकृताय पूजाय सार्गुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि ओ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातापतिरेका सीता सदा धारवृषं जामुते मां कस्मै देवाय विका विधेम ओ हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीज विभावसो अनंत पर्ण भरतमसा शांतिं प्रयाच्छामि। आइए हाथ जोड़ करके भगवान गणपति जी से प्रार्थना करेंगे। हे गणपति भगवान, आप हमारे कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक जो है सफल करना, हमारे जीवन में किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए, विघ्न बाधाएं अड़चने समाप्त तो हो। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यमृतं भस्मि सत्यं भस्मि अवतु मां अववक्तारं अवश्रोतारं अवदातारं अवधातारं अवानुचा नवम शिष्यम अवपश्चात अवपुरस्तात अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् गणादीं पूर्वमाचार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपं मकार मध्यमरूपम् अनुस्वारस्तान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्ध्यानां सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निश्रित गायत्री छन्दः
ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणीं रथं च वरदं हस्तै विप्राणमशकध्वजं रक्तं लम्बोदरं सुरपं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैषु पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नेन बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो पविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयं यो यदि मोहादास्यति स पापीयान् भवति सहस्रवर्तान् यम्यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमविषिञ्चति स वाग्भिः भवति। चतुर्थ्या मनश्च मनस्नञ्जपति स विद्यावान् भवति इत्याथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्या न विवेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणपमो भवति यो लाजर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमाप्नोति यसाज्य समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा मन्त्रसिद्धो भवति स महाविद्या महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। सह न भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अनया पूजा श्रीमहागणपतिदेवताः प्रियन्तान्नमः। आइए बोले गणपति भगवान की जय। आइए अब हम लोग कलश का पूजन करेंगे। ॐ वर्णस्य स्तम्भ नमसि वर्णस्य स्कम्भसजनि स्तोभृणश्रित सदन्यसि वर्णश्रित सदनमसि वर्णश्रित सदनमासीद अपां पते वर्णाय नमः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवानाय सपां पते वर्णाय भो वर्णं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् इहागच्छ इहातिष्ठ मम पूजां सपां पते वर्णाय नमः। स्नानं गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं स्नानं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरतात् आयुः समग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतान्त्यात्मनिं जलं समर्पयामि। सेपां पते वरुणाय नमः। ॐ जुवासुवासा पर्वितागा सोऽस्यां भविजायमानः तं धीरासागं साध्यो मनसा उपास्मै कायतानरः पमानैन्दवी विदेवानुपस्त्रान्त्यात्मनिं जलं समर्पयामि अथ गन्धम् गन्धद्वारां दुराधर्षां पुष्टाङ्करीश्रीं शिष्यं सर्वभूतानां तां ह्योपाक्षता सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निमृता भक्त्याग्रियाणा परमेश्वरमाल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मया अर्थानि पुष्पाणि पूजार्थं मृतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं चन्द्रमा मनसो जातः ससो सूर्यो अजातः श्रोत्राद्वासप्राणसम्मुखादग्निरजात हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यं नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शिष्टाद्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्न प्राणाय स्वाहा
अपानाय स्वाभ्यानाय स्वासमान सदनम दीपानुत्रापोषम समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलम् इदं फलं मया देव स्थापितं व्रतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि कुकिफलं मा दिव्यं नागवल्लीदलवृतं यदा तृणसंज्ञ।